दोस्तों यूपीएससी 2016 में डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने 194th रैंक हासिल की। ये उनका तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट था। प्रज्ञा ने फुल प्रेगनेंसी के समय यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। आज हम आपको प्रज्ञा से पूछे गए इंटरव्यू सवाल और जवाब बताएंगे। सवाल नंबर एक, होम्योपैथी की खोज कैसे हुई? होम्योपैथी किस तरह काम करती है? दिया गया जवाब, मैंने होम्योपैथी के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में सदस्यों को बताया और CCRH की वेबसाइट पर दी गई रिसर्च के बारे में बताया। सवाल नंबर दो, किसी एक भ्रष्ट नेता का नाम बताएं? दिया गया जवाब, सद्दाम हुसैन। सवाल नंबर तीन, देश में अभी तक महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिला? दिया गया जवाब, कुछ राजनीतिक दलों के कारण अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया है। नेता नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले, इसलिए वो अलग अलग मुद्दे बनाकर बिल को लटकाते रहते हैं। सवाल नंबर चार, एक नेता में क्या गुण होने चाहिए? दिया गया जवाब, ईमानदारी, सच्चाई और लोगों के दुख दर्द को समझने की काबिलियत होनी चाहिए। सवाल नंबर पांच, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? दिया गया जवाब, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वो राष्ट्र है जो कभी ब्रिटिश सरकार की हुकूमत का हिस्सा था। सवाल नंबर छह, उड़ान स्कीम के बारे में विस्तार से बताइए, आज का अखबार पढ़ा है? दिया गया जवाब, उड़ान सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक स्कीम है। हवाई यात्रा सेवा में हवाई टिकट सस्ते उपलब्ध होते हैं। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने हिमाचल में इस योजना की शुरुआत की थी। सवाल नंबर सात, सिगरेट के पैकेट पर डरावनी तस्वीर लगाने से क्या फायदा होता है? दिया गया जवाब, सिगरेट के पैकेट पर डरावनी तस्वीर लगाने से लोगों को उससे होने वाली बीमारियों के विकराल रूप के बारे में आगाह किया जाता है ताकि वो ये आदतें छोड़ सके। सवाल नंबर आठ, होम्योपैथी से किसी की सिगरेट की आदत छुड़वाई जा सकती है और वो कैसे? दिया गया जवाब, हाँ, होम्योपैथी से सिगरेट की आदत छुड़वाई जा सकती है। दवा लगातार खानी पड़ती है और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।